कोर्ट के एक आदेश था कि किस आधार पर आपने पिछड़े वर्ग को 27% दिया है और ईडब्ल्यूएस के यदि 10% दे रहे हो तो किस आधार पर, तो केवल पिछड़े वर्ग के और ईडब्ल्यूएस के हम लोगों ने हेड काउंट कराया था और हेड काउंट में ये पाया गया कि ये करीब 43% ओबीसी है और 3.5% ईडब्ल्यूएस है, उसके आधार पर आरक्षण दिया गया है। इसमें क्या भारतीय जनता पार्टी ये नहीं मानती कि यहाँ छत्तीसगढ़ में ओबीसी 43% से अधिक नहीं है? यदि नहीं मानते तो कराए, जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी जो सवाल उठा रहे हैं उससे मेरा सवाल है कि 2021 की जनगणना क्यों नहीं हो रहा है, जब यहाँ हम लोग हेड काउंट करा सकते हैं, जब आर्थिक सर्वेक्षण करा सकते हैं और बिहार की सरकार जाति की जनगणना करा सकती है, तो केंद्र सरकार क्यों नहीं करा रही है?